तो आप देख सकते हो किचन बहुत ज्यादा डस्टी हो चुका है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। तो आज मैं अपने टिप्स आपके साथ भी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने सर्फ, विनीगर और ये बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा। तो इसके साथ मैं अपने किचन को साफ करूंगी। तो चलो बनाते हैं हम कैसे करने वाले हैं। तो सो मैं नजदीक आ जाओ, आपको जितनी जरूरत है आप उतना ही सामान लोगे। ये ले लिया मैंने मीठा सोडा, थोड़ा मीठा सोडा थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि किचन कुछ ज्यादा ही गंदा हो रखा है, और इसको किचन को कवर करने के लिए ये इतना कम ना पड़े इसके लिए। अब ले लेते हैं सोडा, कपड़ा धोने वाला। ठीक है गाइस, मैंने कपड़े धोने का सोडा ले लिया, ये थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली है। और इसके अंदर डालूंगी मैं विनीगर। विनीगर डालते ही इसका रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाता है, इसमें से झाग बनने लगता है, फॉर्म बनने लगता है। ठीक है गाइस, समय नजदीक ला, ये कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विनीगर डालने के बाद, आप देख सकते हो। अब मैं इसकी हेल्प से अपने किचन के गंदगी को साफ करूंगी, और आप भी मेरे वीडियो को पूरा देखना, और बहुत इजी है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, अभी पहले दीवारों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। दीवार गीला करेंगे तो क्या अच्छे से अपना जो हमने लिक्विड तैयार किया है वो अच्छे से पूरे वॉल पे काम करेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा चिपचिपा हाथ लगाने से फील हो रहा है, एक्चुअली ऐसे पे नहीं दिखाई दे रहा था बट हाथ लगाने से फील आ रहा है। इसको पूरा गीला कर ले दूँगी अच्छे से। अब जितना दूर मैंने गीला किया है ना उतने दूर मैं ये लिक्विड को लगा, और हल्के हाथ से लगाना, बहुत रगड़ना नहीं है, ये अपने आप ही क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन होगा। बहुत रगड़ नहीं रही हूँ मैं, हल्के हाथ से ही लगा रही हूँ क्योंकि ये आपके डस्ट को बहुत अच्छे से निकाल देगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर सबके किचन में ये प्रॉब्लम, मेरी वाली प्रॉब्लम सबके किचन में होती है, हम लोग सोचते हैं कैसे साफ करें कैसे साफ करें, और इसको लगा के मैं 5 मिनट छोड़ दूंगी ना तो जितने भी डस्ट है वो अपने आप सॉफ्ट होके वो अपने आप बाहर निकलने लगेंगे। तो मुझे फिर बाद में इसको हल्के से रब करके साफ कपड़े से साफ कर देना। आप इससे अपने बाथरूम को भी साफ कर सकते हो, अपने टॉयलेट को भी, टॉयलेट के जो टाइल्स होते हैं ना हम उसको भी इससे साफ कर सकते हैं गाइस। साफ बहुत मुश्किल है। अब यहाँ का दीवार साफ करती हूँ। इधर आओ, यहाँ पे देखो कितना डस्ट है, कितनी ज्यादा गंदगी है ना। हाफ हाफ एरिया में मैं इस लिक्विड को लगा रही हूँ, और हाफ हाफ एरिया में लगा के मुझे छोड़ देना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत घसाई घुसाई नहीं करना। ये लिक्विड की हेल्प से ही आपका किचन का ऑयल निकल जाएगा। तो मैं इधर आ जाऊं, देखिए मैं कैसे लगा रही हूं, पूरी वॉल पे इसको लगा देना है, और हल्के हाथ से रब करना है। मैंने यहाँ पे शायद पानी नहीं लगाना है, तो मैं यहाँ पे भी पहले पानी, गैस को भी धोना है 5 मिनट के लिए, जब मैं प्रोडक्ट रखूंगी ना तब मैं गैस को धो लूंगी। किचन बड़ा है, हाथ जादू नहीं लगा।
तो ये आप देख सकते हो जितने भी डस्ट थे वो कैसे सॉफ्ट हो गए और कैसे निकल रहा है ब्लैक ब्लैक, आप देख सकते हो। और फिर मैं इसको, वाव, आप देखो इसका रिजल्ट वाकई ही बहुत अच्छा है। मेरा किचन का, मेरे किचन का टाइल्स चमक रहा है और सच में बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे से इसने हमारे किचन को क्लीन करने में मेरी हेल्प की है। अक्सर ऑयली किचन साफ होने में बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, बट आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर ये आपके सामने पूरा रिजल्ट है। सो इस चीज को आप भी घर पर ट्राई करो और आप भी इस चीज से अपने किचन को क्लीन करो, वाकई रिजल्ट बहुत अच्छा है, मुझे तो काफी पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जिन लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए था, मैं उन लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो कि डस्ट कुछ ऐसे क्लीन हो रहा है, देखिए यहाँ पे झाग बन रहा है, ये सारा डस्ट है जो हमारा अपने आप ही सॉफ्ट होके रिमूव हो रहा है। वाकई इसका रिजल्ट बहुत 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 अमेजिंग है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉर्नर में ये जो डस्ट है ना उसमें से बॉइल्स आ रहे हैं, निकाल दिया है। और मैं हमेशा अपने किचन को, अपने बाथरूम को ऐसे ही साफ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका रिजल्ट। हमने महंगे महंगे लिक्विड लेने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट से, महंगे महंगे प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के प्रोडक्ट से ही, घर के सामान से अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वाह। सो मैं इधर दिखाऊं, ये देखिए कितना ही कितना डस्ट है यहाँ पे, कितना डस्ट था। और ये चीज है ना मुझे पहले नहीं दिख रही थी, आप लोग देख सकते हो मेरा किचन कितना अच्छे से क्लीन हुआ है, मेरी टाइल्स कितने अच्छे से चमक रहे। सो आप लोगों को भी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मुझे फॉलो करना। और आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, आपको भी अगर अपने किचन को साफ करना है तो आपको भी कोई महंगा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप भी अपने घर के प्रोडक्ट से, अपने घर की चीजों से अपने किचन को चमका सकते हो, क्लीन कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मेरा टाइल्स कितने अच्छे से चमक रहा है, आ जाओ पास, लग रहा है ना चमकदार मेरा किचन। सो आप इसको बाथरूम के लिए भी यूज कर सकते हो, किचन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।